हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले 10 सालों में रिलीज हुई बॉलीवुड की बेस्ट क्राइम थ्रिलर मूवीज के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर वन पे आते हैं यू टर्न, जो 20 अप्रैल 2023 को Z5 पर रिलीज हुआ था। ये एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपरनेचुरल क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं आरिफ खान ने। इसका IMDb रेटिंग है 7.3 out of 10। ये मूवी इस साल की वन ऑफ द बेस्ट क्राइम थ्रिलर मूवी है, जो शुरू में एक हॉरर फिल्म लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये मूवी एक बेहतरीन क्राइम थ्रिलर मूवी में बदल जाती है। नंबर टू पे आते हैं फ्रेडी, जो 2 दिसंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज हुआ था। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं शशांक घोष ने। इसका IMDb रेटिंग है 7.5 out of 10। एक भोले वाले डेंटिस्ट को किस तरह से अपने प्यार के जाल में फंसाया जाता है, और उसके बाद वो डेंटिस्ट कैसे इस प्यार का बदला लेते हैं, ये फिल्म की कहानी इसी पे आधारित है। ये 2022 का एक बहुत ही बेहतरीन थ्रिलर फिल्म है। नंबर थ्री पे आते हैं दृश्यम 2, जो 18 नवंबर 2022 को रिलीज हुआ था। ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट और प्रोड्यूस किए थे अभिषेक पाठक ने। इसका IMDb रेटिंग है 8.2 out of 10। एक एक्सीडेंट से घटी गई एक लड़की की मौत को एक फैमिली पुलिस की नजर से किस तरह से छुपाती है, ये कहानी उस पे आधारित है। और जो क्राइम थ्रिलर मूवी पसंद करती है, दृश्यम 2 इट्स ए मस्ट वॉच मूवी फॉर देम। नंबर फोर पे आते हैं कठपुतली, जो 2 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज हुआ था। ये एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं रंजीत एम तिवारी ने। इसका IMDb रेटिंग है 5.7 out of 10। ये मूवी एक सीरियल किलर पे आधारित है, जो इनोसेंट बच्ची को मर्डर करती है। नंबर फाइव पे आते हैं बदला, जो 8 मार्च 2019 को रिलीज हुआ था। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए है सुजय घोष ने, जिसका IMDb रेटिंग है 7.5 out of 10। ये फिल्म 2019 का वन ऑफ द बेस्ट क्राइम थ्रिलर मूवी है, जो एक मर्डर के ऊपर बेस्ड है, और उसके बाद उस विक्टिम की माँ कैसे अपने बेटे का मौत का बदला लेती है, इसके ऊपर ये मूवी बेस्ड है। नंबर छह पे आते हैं मर्दानी 2, जो 13 दिसंबर 2019 को रिलीज हुआ था। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, और इस फिल्म को डायरेक्ट किए है गोपी पुथरन ने। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 7.3। ये मूवी एक साइकोलॉजिकल किलर के ऊपर आधारित है, जो हर एक क्राइम करने के बाद पुलिस को चैलेंज देता है, और उसके बाद ये खतरनाक किलर कैसे पकड़ा जाता है, इसके ऊपर ये मूवी आधारित है। नंबर सात पे आते हैं अंधाधुन, जो 5 अक्टूबर 2018 को रिलीज हुआ था। ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसका राइटर और डायरेक्टर है श्रीराम राघवन। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.2 out of 10। ये मूवी एक पियानो प्लेयर के ऊपर बेस्ड है, जो अंधा होने की ढोंग करता है, और जो कई मर्डरों की आई विटनेस भी है, और उसके बाद उसके साथ एक के बाद एक क्या क्या होता है, इसके ऊपर ये मूवी आधारित है। नंबर आठ पे आते हैं मिसिंग, जो 6 अप्रैल 2018 को रिलीज हुआ था। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, जिसका राइटर और डायरेक्टर है मुकुल अभयंकर। इसकी IMDb रेटिंग है 5.8 out of 10। ये मूवी 2018 का वन ऑफ द बेस्ट मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि मॉरिशस के एक होटल पे एक छोटी बच्ची खो जाती है, और उसके बाद उस बच्ची को ढूंढने में मिस्ट्री और उसका पेरेंट्स का भी मिस्ट्री सामने उभर कर आती है। नंबर नाइन पे आते हैं इत्तेफाक, जो 3 नवंबर 2017 को रिलीज हुआ था। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है, डायरेक्टेड बाई अभय चोपड़ा। इसकी IMDb रेटिंग है 7.2 out of 10। इसमें दिखाया जाते हैं कि कैसे एक राइटर अपना बीवी को कत्ल करने के बाद पुलिस से बचने के लिए एक फ्लैट में घुस जाते हैं, और वहां पे जाके उसका सामना और एक मर्डर के साथ हो जाती है। नंबर 10 पे आते हैं रुस्तम, जो 12 अगस्त 2016 को रिलीज हुआ था। ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है टीनू सुरेश देसाई ने। इसकी IMDb रेटिंग है 7.0 out of 10। इसमें दिखाया जाता है कि कैसे एक नेवी ऑफिसर अपने वाइफ की बॉयफ्रेंड का मर्डर कर देता है, और उसके बाद वो कैसे कानून की सामना करता है। नंबर 11 पे आते हैं रमन राघव वर्जन 2, जो 24 जून 2016 को रिलीज हुआ था। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है अनुराग कश्यप ने। इसकी IMDb रेटिंग है 7.3 out of 10। ये मूवी एक साइकोलॉजिकल किलर और एक पुलिस कॉप, इन दोनों की क्राइम की कहानी है। नंबर 12 पे आते हैं बदलापुर, जो 20 फरवरी 2015 को रिलीज हुआ था। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, डायरेक्टेड बाय श्रीराम राघवन। इसका IMDb रेटिंग है 7.4 out of 10।
इसमें दिखाए जाते हैं कि कैसे अपनी बीवी की मौत की बदला लेने के लिए एक सीधे साधे इंसान कैसे क्राइम में उलझ जाते हैं। नंबर 13 पे आते हैं रहस्य, जो 30 जनवरी 2015 को रिलीज हुआ था। ये एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए थे मनीष गुप्ता ने। इसका IMDb रेटिंग है 7.6 out of 10। ये एक हाई सोसाइटी मर्डर मिस्ट्री फिल्म है जहाँ पे एक डॉक्टर की बेटी का कत्ल हो जाती है। नंबर 14 पे आते हैं तलाश, जो 30 नवंबर 2012 को रिलीज हुआ था। ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसका राइटर और डायरेक्टर है रीमा काकटी। इसका IMDb रेटिंग है 7.2 out of 10। ये एक हॉरर और क्राइम थ्रिलर मूवी है जहाँ पे एक प्रोस्टिट्यूट का मर्डर हो जाती है और उसके बाद एक पुलिस इंस्पेक्टर को उसका आत्मा गाइड करता है कि कहाँ पे उसका लाश छुपाया गया है और कौन कौन उसके मौत के लिए जिम्मेदार है। नंबर 15 पे आते हैं कहानी, जो 9th मार्च 2012 को रिलीज हुआ था। ये एक थ्रिलर फिल्म है जिसका राइटर प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर है सुजय घोष। इसका IMDb रेटिंग है 8.1 out of 10। ये लास्ट डिकेड का वन ऑफ द बेस्ट क्राइम थ्रिलर मूवी है जहाँ पे एक औरत अपने पति की तलाश पे कलकत्ते आती है और उसके बाद एक के बाद एक मिस्ट्री उभर के आती है।